हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ पॉलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाय फोकल ज़िंदगी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ शाम को जबकि ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि मैं सुबह से ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ ना, तो इसलिए आप सबको गुड मॉर्निंग बोल के मेरा दिन शुरू कर रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं हूँ किचन में, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का प्लानिंग चल रहा है। तो आज ना बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट मैं बनाऊँगी, तो ब्रेड टोस्ट जो होता है ना, एग ब्रेड टोस्ट, वही मैं बना दूँगी आज। क्योंकि आज ना कुछ तामझाम करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए ब्रेड है घर पे, तो सोचा कि यही बना देती हूँ। सिंपल सा होता है, जल्दी से बन भी जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो कभी कभी ना इसमें मैं प्याज, हरी मिर्च ये सब डाल के बनाती हूँ, लेकिन आज एकदम सिंपल बना रही हूँ। जिस दिन ऑफिस रहता है ना, उस दिन मैं ऐसे सिंपल ही बना देती हूँ। तो थोड़ा सा हल्दी, नमक अंडे में डाल दिया, अभी इसको अच्छे से फेंट लूँगी और उसके बाद जस्ट इसको डिप करके इसमें ब्रेड को सेक लेना है। बहुत जल्दी बन भी जाता है, मनोजीत को तो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। बचपन में जब मम्मी किसी किसी संडे को बनाती थी ना, तो बड़ा मज़ा आता था खाने में। हम लोग तो मतलब एक साथ 5-6 खा जाते थे, इतना टेस्टी लगता था। तो अभी तो खैर खुद बनाना है, खुद खाना है, वही है। तो चलिए अभी मैं जल्दी से ये सब कर लेती हूँ। साइड में मुझे चाय भी बिठाना है, क्योंकि अभी चाय भी बनाना है, वो नजीत तो खा के ऑफिस निकलेगा। तो ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे फिर बात होगी। चाय भी मैंने बिठा दिया है और ये देखिए इधर मनोजीत थोड़ा आ गया, और बीच बीच में वो आता रहता है, वो उधर एक्सरसाइज कर रहा था, तो बीच बीच में आके कुछ कुछ उसका प्लानिंग है, वो सब मुझे बता रहा है कि उसको कुछ कुछ नेक्स्ट करना है। तो वही सब मैं और ये डिस्कस कर रहे थे। तो इधर चाय के पानी में भी उबाल आ चुका है, तो मैं अभी चाय पत्ती डाल दे रही हूँ, चाय बन जाएगा तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे दोनों। मनोजीत ब्रेकफास्ट करके निकल गया है, तो अभी मैं आई हूँ बेडरूम को थोड़ा सा ठीक करने। कभी कभी मैं वो ऑफिस चला जाता है, जब उससे पहले भी कर लेती हूँ, लेकिन आज नहीं हो पाया इसलिए अभी आई हूँ। अभी बेड वगैरह सब कुछ ठीक करूँगी, तो बेड वगैरह क्लीन हो जाए ना एक बार, तो घर देखना क्लीन लगता है। तो मेरा तो हमेशा ये रहता है कि पहले ही आके बेड बना लूँ अच्छे से, तो तब जाके ना अच्छा लगता है, घर फ्रेश लगता है। नहा के आ गई मैं, काफ़ी टाइम हो गया है, आके पूजा वूजा कर लिया। इधर देखिए टीवी में, टीवी चल रहा है, ब्लॉग्स देख रही थी मैं। और अभी दोपहर का ढाई नहीं बजा है, 2:15 होगा। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं अपना लंच कर लेती हूँ, भूख भी काफ़ी लग चुका है। और बाहर हो रहा है बहुत ज़्यादा बारिश, मन था आज थोड़ा निकल जाऊँगी और मनोजीत उधर ऑफिस से आएगा तो कहीं घूम के आएंगे दोनों, बट पता नहीं अगर बारिश नहीं हुआ तो जाऊँगी और नहीं तो घर पे ही रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सामने 3-4 दिन एक साथ छुट्टी है, वीकेंड्स है और फिर 15 अगस्त है, तो हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ आज लंच में क्या क्या है। तो ये देखिए हमारे लंच में आज क्या क्या है। तो लंच में मैंने बनाया है पतला सा मसूर की दाल, साथ में बनाया है मैंने यहाँ पे काकरोल भाजी, और ये सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्राई मैंने किया है। इसका मैंने एक दिन और एक रेसिपी आपके साथ शेयर किया था, अंदर स्टफिंग डाल के। और ये है प्रॉन का मसाला प्रॉन, इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, पता नहीं खाने में कैसा होगा, अभी खा के पता चलेगा। थोड़ा सा अलग रेसिपी ट्राई किया है मैंने आज।
गाइस, अभी शाम का टाइम है, 4:15 बज रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ। सडन प्लान बना और मैं अभी बांद्रा जा रही हूँ। मनजीत का ऑफिस बांद्रा में ही है, तो उसके बाद हम दोनों कहीं आसपास घूम के आएंगे सोच रहे हैं। घर बैठे बैठे एकदम बोर हो चुकी थी तो मैंने फ़ोन किया, मनजीत ने बोला आ जाओ, तो वही अभी मैं जल्दी जल्दी से निकल रही हूँ। तो चलिए घूम के आते हैं। फाइनली पहुंच गई हूँ मैं बांद्रा स्टेशन और ये देखिए दूर से बांद्रा का व्यू बहुत अच्छा लगता है, सारे स्काईलाइंस दिखता है यहाँ से। तो मैं ना अभी वेट कर रही हूँ यहाँ पे, मनोजीत आ रहा है, वो ऑफिस से निकल चुका है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। और ये देखिए नीचे एक के बाद एक लोकल ट्रेन जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये लोकल ट्रेन ही तो मुंबई के लाइफ लाइन होते हैं, तो वही है कितने सारे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ को जाते हैं, हर एक की अलग स्टोरी। मैं तो यही सब सोचती रहती हूँ जब स्टेशन वगैरह में खड़ी रहती हूँ तब। ये देखिए मनोजीत आ गया, तो चलिए अभी थोड़ा घूमते हैं। हम लोग अभी बांद्रा स्टेशन से निकले हैं और मनोजीत ने एक ऑटो वाले भैया से बात किया, तो प्लान है कि हम लोग यहाँ से निकल के अभी ऑटो लेके ना बैंड स्टैंड जाएंगे। मन था कि आज बहुत अच्छा वेदर है तो थोड़ा बैंड स्टैंड में बैठते हैं, हवा वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है और क्लाउडी है, रेन बल्कि हो ही रहा है, तो थोड़ा इन्जॉय करेंगे। लेकिन हम लोग जो सोचते हैं वो तो हमेशा होता नहीं। तो अभी क्या हुआ, हम लोग जब ऑटो में बैठे ना तो पहले तो बारिश नहीं था, उसके बाद इतने ज़ोर से बारिश आया ना कि हम लोगों ने पूरा प्लान कैंसिल करके फिर जाके एक रेस्टोरेंट में बैठ गए, क्योंकि बैंड स्टैंड में जाना का कोई फायदा नहीं, कहाँ बैठते। हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में और मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के साथ इसका इंटीरियर शेयर करने के लिए। तो अभी हम दोनों बैठेंगे, थोड़ी देर चिल करेंगे, कुछ ऑर्डर किया है वो सब खाएंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। अभी रात के 8:30 बज चुके हैं तो हम लोग भी निकल गए हैं, तो अभी जाएंगे यहाँ से सीधा बांद्रा स्टेशन, वहाँ से ट्रेन लेके घर जाना है। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए कितना अच्छा हवा चल रहा है, तो अभी वापस घर जाना है। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाय फोकल जिंदगी।